vijaynalataf pe jaake. And I would like to say a big thank you to everyone, whoever is watching the show right now. Jitne bhi logon ne mujhe kal ka feedback diya tha show ka aur kaha tha ki aapki shirt bahut achhi hai, shirt bahut achhi hai, shirt bahut achhi hai. Thank you so much, bahut bahut shukriya. Lekin aaj maine socha ki aaj jo main shirt pehen ke soch ke khade hokar show kar leti hu, because kafi saare log ke messages aate hain ki vijayn aap khade hokar show kyun nahi karti, aap baithi rehti hain. To chaliye ji, aaj main khade hokar show kar rahi hu. Aaj ki jo meri shirt hai wo bahut colorful kisam ki shirt hai, kyunki agar aap dekhe to meri shirt ke upar balloon bhi bana hua hai, ek bahut cute sa owl bana hua hai, and then sneakers bane hue hain. To bahut hi happening kisam ki shirt hai meri, and I actually got this shirt from Bangkok. So yes, this is really nice. Bahut show off kar rahi hu, nahi karna chahiye tha wala. Acha, uske alawa jitne feedback wo de sakte hain, and yes, aaj ka jo topic hai that is also very nice. Aaj main soch rahi thi ki har insaan ka ek apna khud ka dressing sense hota hai. Jaise agar dekha jaye to differ karta hai dressing sense personality wise, ya agar देखा जाए तो लड़कियां जो होती हैं, बहुत सारी लड़कियों की पर्सनालिटी जो होती है उस तरीके की होती है कि लड़कियां ईस्टर्न ड्रेसेस पहनने का उन्हें बहुत ज़्यादा शौक होता है, कुछ लड़कियों को वेस्टर्न वेयर पहनने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, कुछ लड़कियों को फ्यूजन वेयर पहनने का बहुत ज़्यादा शौक होता है. तो और अच्छा, एक और चीज़ ये भी होती है कि काफ़ी दफ़ा जो लोग होते हैं वो अपने कलीग्स का या अपने फ्रेंड्स का कभी कभार बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि अरे यार देखो ये क्या पहन के आ गई, क्या पहन के आ गई. वैसे कभी कभार एक चीज़ बताऊं कि मिरर इज़ योर बेस्ट जज. कभी भी किसी और से नहीं पूछा करें कि आप पे क्या अच्छा लग रहा है. मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो कॉन्फिडेंट नाउ अबाउट माई ड्रेसिंग एंड फैशन सेंस एंड एवरीथिंग कि आई डोंट नीड टू आस्क एनीवन एल्स कि हाउ डू आई लुक, अनटिल अनलेस मुझे किसी से कॉम्प्लीमेंट चाहिए फजूल का. लेकिन आई थिंक मिरर इज ऑलवेज योर बेस्ट जज, एंड आई थिंक आपको शीशा बता देगा कि आप अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, किस स्किन आपकी कैसी हो रही है, हर चीज़ आपको मिरर बता देता है. तो आपको किसी जगह पूछने की ज़रूरत नहीं. हाँ, होता है कभी कभार कुछ लोग थोड़ी वीक होते हैं फैशन सेंस के हवाले से. आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो मुझे पता है कि आपका खुद का फैशन सेंस कैसे, आपको खुद को किस किस्म की ड्रेसिंग करना अच्छी लगती है. कोई ऐसा सेलिब्रिटी या फिर इनफैक्ट, बल्कि मुझे तो अब ऐसा लगता है कि अब हमारी जितनी भी लड़कियाँ हैं, जो हमारी जितनी भी स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियाँ हैं, वो अब फैशन को लेके इतनी ज़्यादा मुझे वो एजुकेटेड हैं, उन्होंने अपने आप को इतना एजुकेट कर लिया इस लिहाज से, इतना एजुकेट कर लिया अपने आप को इस लिहाज से कि उनको सब पता होता है कि यार आजकल क्या इन चल रहा है, आजकल जंप सूट चल रहे हैं, आजकल फ्यूजन वेयर चल रहा है, या अगर यू नो ये चीज़ आ गई तो इसको हम इस तरह कर लेंगे, काजल कब लगाना चाहिए, लाइट मेकअप कब होना चाहिए. और मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर. ये जो मेरा साइड बंच है और ये जो मेरा साइड बन है, लड़कियों को इतना अच्छा लगता है कि सारी लड़कियाँ बना बना के मुझे इसकी पिक्चर सेंड करती रहती हैं और बोलती हैं कि आपके हेयर कौन बनाता है. तो यहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगी अपने हेयर स्टाइलिस्ट को जिनका नाम है जिब्रान, जो रोज़ मेरे अच्छे अच्छे बाल बनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं. लेकिन आई थिंक मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि कोशिश किया करें कि अपने बाल में जितनी कम से कम हीट लगवाएं, उतनी कम से कम हीट लगवाएं. उसके अलावा यू गाइस टेल मी कि कभी ऐसा हुआ है कि कभी आप बैठे हुए हो, कभी किसी ने वॉक इन किया हो और कोई इतना अजीब सा कुछ उसका फैशन सेंस हो कि आपको हंसी आने लग जाए. अच्छा, बहुत दफ़ा मैंने ऐसे अच्छा पहले कॉल लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सितारा, क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ सितारा. मुझे ये बताओ आप मुझे कि आपका खुद का फैशन सेंस कैसा है, वो खुद को किस किस्म की ड्रेसिंग करना अच्छी लगती है? फैशन सेंस मतलब मैं इतना ज़्यादा फैशन की तरफ हूँ तो नहीं, लेकिन फिर भी जैसे कि टीवी देखती हूँ, प्रोग्राम देखती हूँ तो उधर से कॉपी कर लेती हूँ कुछ भी. कॉपी कर लेती हो? आपको भी तो कॉपी करती हो ना? थैंक यू यार, इतनी स्वीट बात बोली. वैसे मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, मुझे कॉपी करने मुझे बहुत अच्छा लगता है. अच्छा सितारा, मुझे बताओ आपकी कोई ऐसी दोस्त जिसको आप जब देखती हो आप बोलती हो वाओ यार ऐसा क्या फैशन सेंस है, कितनी अच्छी ड्रेसिंग करती है? मेरी एक फ्रेंड है, मतलब मेरी फ्रेंड भी है और मेरी कजिन भी है. लाइक जब भी वो मेरे घर आती है, जैसे अगर उसकी कोई ड्रेस मुझे अच्छा लगता है तो मैं बोलती हूँ कि मैं भी ऐसे लूँगी. अगर जैसे कि अगर वो कुछ भी लेती है अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं बोलती हूँ कि यार मैं भी ऐसा दूंगी, तो वो बोलती है हाँ सही, हम दोनों एक साथ पहनेंगे. सही. अच्छा सितारा, आपको किस किस्म की ड्रेसिंग अच्छी लगती है? आपको वेस्टर्न ड्रेसिंग अच्छी लगती है, ईस्टर्न या फ्यूजन? फ्यूजन मतलब वेस्टर्न ईस्टर्न मिला के जो हम पहनते हैं. नहीं, मुझे बिल्कुल पाकिस्तानी ड्रेसिंग अच्छी लगती है. लाइक पाकिस्तानी ड्रेसिंग अच्छी. अच्छा वैसे बताएं, ईस्टर्न ड्रेसेस की बात ही कुछ और होती है. जो एक आई थिंक लड़की की पर्सनालिटी जो एक शलवार कमीज में जो इतनी अच्छी लगती है, आई डोंट थिंक वो वेस्टर्न वेयर में कोई इतनी आई थिंक वो मजा नहीं आता है ना?
ईस्टर वेयर की बात ही कुछ और होती है. अच्छा सितारा, उसके अलावा मुझे बताओ कि आप शूज में क्या क्या पहनना पसंद करती हो? हील्स पहनना पसंद करती हो, फ्लैट्स पहनना पसंद करती हो? कॉल ड्रॉप हो चुकी है. बट एनीवेज, आज का जो हमारा ओवरऑल टॉपिक है वो ड्रेसिंग पर है. तो आप मुझे बताइए आपको किस किस्म के कपड़े पहनना अच्छे लगते हैं. डू यू गाइस वेयरिंग हील्स? हील्स पहनने का शौक है या नहीं है? उस्मान का मैसेज आया है, कह रहे हैं हेलो विजय हिना, हेलो उस्मान. एंड मैसेजेस आए हैं अस्सलाम वालेकुम विजय. हारून कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मारो कहती हैं हिना आपी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. योर शर्ट इज ऑसम एंड आप तो हैं ही ऑसम. लव यू यार, आप बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती हैं मेरी मिस से, वो बहुत प्रिटी हैं लाइक यू. ऑल दैट इज सो स्वीट. एंड उसके अलावा भी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं मजा आई. और आज का टॉपिक है ड्रेसिंग सेंस पे. आपको किसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगता है, बुरा लगता है? लास्ट टाइम किसको एज अ फैशन डिजास्टर देखा था आपने? भी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं मजा आए. कीप वॉचिंग गर्ल्स रिपब्लिक ARY म्यूजिक. वेलकम बैक, वेलकम बैक. यू आर वॉचिंग गर्ल्स रिपब्लिक ARY म्यूजिक. एंड आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो कैसा है, आपका जो फैशन सेंस है वो कैसा है. मैसेजेस आ रहे हैं, पढ़ लेते हैं. कश्यप नाज लिख दी, हिना बहुत प्यारी लग रही हैं. शो अब 4 बजे क्यों स्टार्ट होता है हिना? क्योंकि 4 बजे स्टार्ट होता है, बस यही वजह है. अच्छा उसके अलावा उमेर अब्बासी लिखते हैं हेलो हिना. उमेर अब्बासी का मैसेज कहाँ चला गया? उमेर अब्बासी से हेलो हिना, आपकी शर्ट बहुत प्यारी है. थैंक यू. सिद्रा लिखती हैं हिना बहुत प्यारी लग रही हैं आप ही. बहुत बहुत शुक्रिया सिद्रा. उसके अलावा प्रिंस अलोन प्रिंस लिखते हैं हेलो हिना आप ही, आप बहुत प्यारी लग रही हैं. अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन. एंड एक कॉल लेते हैं पहले. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम मैम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ. वैसे एक बात मैं बता दूँ, ये बता देती हूँ कि मैम को, मैम की पिक्चर्स मैं देखती रहती हूँ. एंड आई मस्ट से दैट एक तो शी इज़ वेरी प्रिटी माशाल्लाह. दूसरी चीज़ ये कि इसका ड्रेसिंग सेंस भी मुझे पिक्चर से अंदाज़ा हो जाता है कि इसका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा है. अच्छा मैम, आप मुझे बताओ कोई आपके इर्द गिर्द ऐसा आपके फ्रेंड्स में जिसको आप बोलो कि यार इसका कितना अच्छा फैशन सेंस है, कितनी अच्छी ड्रेसिंग करती है? मेरी एक फ्रेंड है बुशरा नाम है, उसका टेस्ट मुझे इतना अच्छा लगता है, फैशन सेंस आउट क्लास होता है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है. अच्छा आपको आई थिंक मैम आपको ईस्टर्न वेयर ज़्यादा अच्छा लगता है जी. अच्छा अच्छा, उसके अलावा मुझे बताओ वो जो फ्यूजन वेयर होता है, यू नो कुर्तीज़ होती हैं, उस पर आप जीन्स और खुद से पहन सकते हैं, वो बहुत अच्छी ड्रेसिंग लगती है. उस किस्म की ड्रेसिंग करने का शौक़ है आपको? जी मुझे शौक़ है, लेकिन मैं करती नहीं हूँ. करती नहीं, वो डिपेंड भी करता है कि आपके ऊपर सूट करता है कि नहीं. अच्छा मतलब आप पे ईस्टर्न वेयर ज़्यादा अच्छा लगता है जी. अच्छा उसके अलावा महा मुझे बताओ कि सेलिब्रिटी में आपको सबसे अच्छी ड्रेसिंग किसकी लगती है, अगर आप एक्ट्रेस की बात करो? में मुझे आयशा उमर और जोया काजी. और जोया काजी. जोई विकाजे, वेरी नाइस. आई थिंक यू हैव अ वेरी गुड टेस्ट माशाल्लाह. एंड आई थिंक तुम्हारा फैशन सेंस, जिस किस्म की तुम्हारी चॉइस है ना, उस लिहाज से मुझे अंदाज़ा होता है कि तुम्हारा फैशन सेंस खुद बहुत अच्छा है. अच्छा मैम, कभी मुझे कभी ऐसा हुआ है, कभी आपने किसी का फैशन सेंस ऐसा देखा हो कि आपको हंस हंस के आप बोलो कि यार इसने क्या पहना हुआ है? मेरी इवनिंग पार्टी होती है ना, हाँ. तो मेरी पार्टी थी, तो मेरी क्लास फेलो है वो बहुत बड़ी लगती है, तो वो जो है वो इतनी कोई अजीब बन के आई थी, उसने पता नहीं क्या ज्वेलरी पहन रखी, इतने बड़े बड़े इयररिंग्स और बहुत अजीब लग रही थी. तो हम लोग उसको देख के सब हंस रहे थे. तुमने कहा नहीं कि आई तुमने कैसी ड्रेसिंग की है ना? नहीं बस हम लोग हंस रहे थे, हम लोगों ने कुछ बोला नहीं. या वैसे कुछ बोल भी तो नहीं सकते ना फिर, अगर आप बोल लो तो सामने वाला बंदा समझेगा कि ओ मुझसे जेलस हो रहे हैं, तभी तो ये कह रहे हैं, है ना. अच्छा मुझे बताओ महान कि कभी ऐसा हुआ है कि, मैं भी मेंशन करने वाली थी कि कभी कभार लड़के होते हैं जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं, उनने स्पाइक्स बना के अपने पूरे बाल अजीब से कुछ. हमारे स्कूल में, हमारे स्कूल में टीचर हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और हाँ. जब असेंबली के बाद सब चेकिंग हो रही होती है तो इतने लड़के होते हैं जिनके बाल इतने लंबे लंबे होते हैं और अजीब बिल्कुल स्पाइक्स बने हुए, जेल लगा हुआ, तो उनको टीचर अवॉइड करती हैं, डांटती हैं जी बहुत ज़्यादा. ठीक है ठीक है. तुम्हें क्या अच्छा लगता है, इतना जेल लगाना चाहिए बालों में? नहीं नहीं अच्छा लगता ना, एंड आई थिंक छोटे नीट एंड क्लीन बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं. हाँ. चलो ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन महाम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज. जी महाम, और आप लोग मुझे बताइए आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो कितना अच्छा है, आप खुद अपने ड्रेसिंग सेंस को कितना जो है वो मार्क्स देंगे. अच्छा आयशा का मैसेज आया है, मैं नहीं देख पा रही आपका शो. अच्छा जी असरा लिखती है हेलो हिना कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आज आप माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही हैं हमेशा की तरह,
हिना कशिफ नास को हाय बोल दें, लव यू ऑल। असरा की तरफ से कशिफ नास को हेलो। उसके अलावा राही लिखते हैं यू आर लुकिंग वेरी नाइस, एंड रिदा लिखती है ना कैसी हैं आप, आपकी ड्रेसिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है और आप ईस्टर्न ड्रेसेस भी पहना करें शो में, लव यू हिना आपी। यस, मतलब कितनी तादाद बढ़ चुकी है लड़कियों की जो मुझे हिना आपी हिना आपी हिना आपी करते हैं। एक कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं सुम्बुल। सुम्बुल क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुम्बुल आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट, आपकी बहुत क्यूट आवाज़ है आपकी। थैंक यू। अच्छा सुम्बुल मुझे बताओ कि आप किस किस्म की ड्रेसिंग करना अच्छी लगती है, किसका फैशन सेंस अच्छा लगता है? पहले तो मुझे आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी लगती है और मैं आपकी हर चीज़ कॉपी करती हूँ। थैंक यू यार, मेरे दिल को छू ली तुमने, छू ली इस बात में। मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि तुम तो बस इनकी कॉपी करती रहती हो सब कुछ। मैंने कहा हाँ, मेरी फेवरेट है इसलिए मैं आपकी कॉपी करती हूँ। थैंक यू यार, मेरे जो घर वाले या कॉलर्स या व्यूअर्स सुन रहे हैं ना, बोलेंगे हिना पैसे देती है सबको अपनी तारीफ करने के। अच्छा सुम्बुल मुझे ये बताओ कि आप अपनी ड्रेसिंग को खुद कितने मार्क्स दोगी? मैं 100 में से 80। 100 में? जबरदस्त, फिर तो मैं अपनी पिक्चर सेंड करनी है मुझे। ओके, मैं आपको करूंगी फेसबुक पर। ठीक है। अच्छा उसके बाद मुझे बताओ सुम्बुल कि आपको किस किस्म की ड्रेसिंग करना अच्छी लगती है, ईस्टर्न वेस्टर्न या फ्यूजन? ईस्टर्न, कहीं कहीं जगह ईस्टर्न और कहीं कहीं जगह वेस्टर्न। और आप उसके साथ शूज कैसे पहनना पसंद करती हो, फ्लैट्स में कंफर्टेबल रहती हो, हील्स पहनने का बहुत शौक है आपको? मुझे पम्पीज वगैरह फ्लैट्स इस किस्म की चीजें अच्छी लगती हैं। चलो ठीक है, मैं सुम्बुल आपसे और बात करती हूं, लेकिन हमें जल्दी से एक सॉन्ग ब्रेक की तरफ जाना है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ये थी सुम्बुल एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर जो मुझे कॉपी कर दिया। करो 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 कॉप, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, कहीं में जाएगी वॉचिंग दस रिपब्लिक ओनली ऑन ARY म्यूजिक। वायो हेलो, यू ओनली लिव वंस। Welcome back. You are watching us only on ARY Music, and today the topic is dressing sense, fashion sense. कि आपको किसका अच्छा लगता है dressing sense, किसका अच्छा लगता है fashion sense. So एक दफा फिर से मुझे इंटरनेट ने दुख देना शुरू कर दी यार, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे साथ भी क्यों ऐसा होता है? अच्छा उसके अलावा आप बताइए। अच्छा उसके अलावा हमारी एक बहुत अच्छी व्यूअर है, उनका नाम है हनी मलिक। एंड हनी मलिक का जो मैसेज है वो आया हुआ है कि शी जस्ट गॉट एंगेज्ड, सो कंग्रेचुलेशंस एंड बहुत बहुत मुबारक हो आपको हनी के, आप की मंगनी हो चुकी है एंड अल्लाह आपको खुश रखे। उसके अलावा एक मैसेज परीज खान का मैसेज है, हेलो हिना आप यू लुकिंग ऑसम माशाल्लाह। मैं कैसी ना, पहले भी तारीफ कर दी फिर कॉलर लेती हूँ, कॉल ले लें जल्दी से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, यू प्रिटी प्रिटी गर्ल, कैसी हो, इतने दिनों बाद तुमने कॉल की। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मरियम को तो मैं वैसे भी देख चुकी हूँ, तो मरियम का फैशन सेंस तो मुझे वैसे भी पता है, और मुझे वो पिक्चर इतनी कोई प्यारी लगी थी जो मैंने और मरियम ने हम दोनों ने जो फेस्टिवल में ली थी, याद है मरियम? जबरदस्त, मुझे अभी तक याद है, सेव विद मी, वो बेस्ट पिक्चर है। अच्छा और जब वो मैंने पिक्चर अपलोड की थी तो आई थिंक आई गॉट अबव 1000 लाइक्स, आई डोंट नो, इतनी मस्ती की वो कोई पिक्चर थी ना, वो बड़ा इतने दिनों बाद एक पिक्चर हम लोगों ने साथ ली थी और वो बहुत अच्छी मेमोरेबल पिक्चर है वो। सही। अच्छा मरियम आप मुझे बताओ कि आपको किस किस्म की फैशन सेंस किसका अच्छा लगता है, आपको किस किस्म की ड्रेसिंग करनी अच्छी लगती है? आई थिंक ड्रेसिंग तो स्टाइल आपका अपना होना चाहिए, जो भी आप पहने यू शुड लुक गुड। आपके अंदर आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे ना पहन के, जैसे अगर आप जीन्स पहन रहे हैं यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, तो आप बोलेंगे यार पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, तो आप लोगों के सामने जो है ना वो डरे डरे जाएंगे। तो आप खुद अच्छा फील करें, खुद कॉन्फिडेंट रहेंगे ना, दूसरे आपको देख के बोलेंगे यार ठीक है इसने अच्छी ड्रेसिंग करी हुई है, आप खुद डर के जाएंगे नहीं यार पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, पता नहीं क्या, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंड यू लुक गुड। ठीक है। उसके अलावा मरियम मुझे बताओ कि आप अपनी खुद की ड्रेसिंग को कितने मार्क्स दोगी? मैं अपनी ड्रेसिंग यार मैं अगर ज्यादा दूंगी तो ऑब्वियसली वो शो ऑफ, आई थिंक दे दो यार दे दो, बोल दो 100 out of 100 यार। आई थिंक 7 out of 10 आई थिंक एवरेज है, अब दूसरे बताएंगे तो वो ज्यादा आई थिंक सही होते हैं, अपने आप तो खुद लोग अच्छा ही बोलते हैं अपने आप। अच्छा मरियम लास्ट टाइम कौन सा फैशन डिजास्टर देखा था आपने? लास्ट टाइम एज सच मुझे कोई याद नहीं है, लेकिन
आई थिंक कुछ एक्टर्स का या कुछ किसी एक्टर का मैंने देखा था, तो मुझे इसका याद नहीं आ रहा। लेकिन आपके फ्रेंड्स में कभी, चलो एक्टर एक्ट्रेसेस का तो चलो एक वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है, लेकिन कभी आपने अपने फ्रेंड्स में वो देखा हो कि यार ये क्या पहन के आ गई है? आई थिंक मैंने ना अपने कुछ मतलब स्कूल मेट्स है उनका देखा था कि एक लड़के ने, हम लोग कोई ग्रुप जो है वो हम लोग कोई पार्टी कुछ हम लोग कहीं जा रहे थे, तो उसने जो है ना वो रेड, मतलब गर्मी में शदीद उसने रेड जीन्स पहनी हुई थी, जो स्क्री टाइट जीन्स नहीं होती वो पहनी हुई थी वो मेरा, और उसने उसके ऊपर येलो जो है वो उसने शर्ट पहनी हुई थी विद यू नो रेवन ग्लासेस, और मतलब बेचारा मुझे लग रहा था वो पता नहीं कहाँ से आया है, और वो लड़का था, मुझे लगा लड़की ने की थी, यही हम वो लड़का था, और हम लोग भी और लाइक ओ माय गॉड, मतलब बेचारा हम उसके सामने ना हंस रहे ना कुछ कर रहे, इतना अजीब सिचुएशन हो गई थी वो। बताओ यार हद होती है, मतलब रेड पैंट एंड येलो शर्ट, आई थिंक आजकल लड़कों की ड्रेसिंग जरा अजीब सी हो गई है ना मरियम, इतनी रंग बिरंगी ड्रेसिंग हो गई है। हाँ एग्जैक्टली चीप हो गई लड़कों की ड्रेसिंग सेंस, मुझे लगता है बिल्कुल ऑटोमेटिकली जो है ना वो खत्म होता जा रहा है। हाँ वो चीज ही नहीं आती। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन मरियम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा एक छोटा सा मैसेज जो अपने अपने शोर से देना चाहूंगी गर्ल्स रिपब्लिक के थ्रू, वो ये टू ऑल द गाइज आउट देयर, गर्ल्स आउट देयर, गाइज आउट देयर, मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं मानती हूँ कि कलरफुल ड्रेसिंग करना सारी चीजें बड़ी अच्छी होती हैं और सबको जो है वो इस किस्म की ड्रेसिंग करनी चाहिए, बट प्लीज इतनी ज्यादा कलरफुल ड्रेसिंग भी नहीं होनी चाहिए कि आपकी रेड पैंट और उसके पे येलो शर्ट हो जाए। आई थिंक कि अ गाय शुड ऑलवेज लुक लाइक अ गाय। कंट्रोल रूम से आवाज आ रही है कि आई थिंक पिंक कपड़े ज्यादा अच्छे हैं, तो और पिंक कलर लड़कियों का कलर होता है, और हाँ मैं बात मानती हूँ कि लड़के भी पहन सकते हैं पिंक कलर, लेकिन डिफरेंट शेड्स होते हैं पिंक में भी, शॉकिंग पिंक जो होता है वो आई थिंक लड़के नहीं पहन सकते, लेकिन जो बहुत लाइट बेबी पिंक जो होता है वो लड़कों पर अच्छा लगता है। एंड कीप आई वुड से कि जब तक जब आप बड़े होना शुरू हो जाते हैं, व्हेन यू एंटर अ प्रोफेशनल लाइफ और सारी चीज़ें, तो यू शुड यू नो स्टार्ट ड्रेसिंग अप अ बिट फॉर्मल इन एवरीथिंग व्हेन यू गो आउट समवेयर। आपकी जॉब की नेचर पे डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म का ड्रेसअप होना चाहिए। बहुत सारे लड़के होते हैं जो टी शर्ट जीन्स में चले जाते हैं काम पे, क्योंकि उनकी जॉब की नेचर इस किस्म की होती है। काफी सारे लड़कों को मैं रोज देखती हूँ कि रोज ड्रेस शर्ट लाइक आपकी फॉर्मल ड्रेसिंग हुई हुई होती है, जा रहे होते हैं, यूजुअली वो आप बैंक्स में ज्यादा देखते हो ऐसी इस किस्म की ड्रेसिंग जो होती है जो रोज सुबह उठ के करनी पड़ती है। लेकिन आई वुड से कि लड़के ज्यादा सटल कलर्स पहने तो ज्यादा अच्छा लगेगा, और लड़कियों पे कलर्स तो वैसे भी बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं, तो आई थिंक कलर्स की जो चीज है वो लड़कियों के लिए ज्यादा है, लड़कों के लिए थोड़ी कम है। ठीक है, एंड यार एक बात जो कि मुझे मेंशन करनी है वो ये कि मैं करूंगी वो मेंशन एक सॉन्ग ब्रेक के बाद, तब तक आई होप कि मेरा इंटरनेट भी थोड़ा ठीक चलना शुरू हो जाए, एंड वी आर गोइंग टू वर्ल्ड सॉन्ग ब्रेक, कहीं मैं जाए कीप ऑन वॉचिंग गर्ल्स ग्रुप ऑफ एआरवाई म्यूजिक। वेलकम बैक। आज एक ऐसा सानिया हुआ है मेरे साथ सेट पे कि उस लिंक में जो है मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था, और जैसे ही हम ब्रेक में गए मेरा फॉरेन फैन पेज खुल गया। आई एम लाइक ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, बट एनीवेज अच्छा हमजा बट्टी लिखते हैं, मैं मैसेज पढ़ लूँ थोड़े से प्लीज, ठीक है हम अच्छा जल्दी से पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हूँ, कहाँ से? आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। आयशा बात कर रही लाहौर से। आयशा मुझे आप ये बताइए कि अभी आपको पता है मैसेज पढ़ने वाली थी और मुझे कंट्रोल रूम से आवाज आई कि नहीं नहीं यार जल्दी से आयशा की कॉल ले लें, इतनी देर से जो है इसने होल्ड किया, लाहौर से कॉल की है। अच्छा हेलो हेलो, हाँ जी हाँ आयशा मुझे ये बताओ कि आपको किस किस्म की ड्रेसिंग करने का शौक है? मुझे वेस्टर्न। अच्छा आयशा टीवी का वॉल्यूम बंद कर दो। बंद है बंद है, ठीक है। आयशा आपको किस किस्म की ड्रेसिंग करने का शौक है, ईस्टर्न वेस्टर्न फ्यूजन? वेस्टर्न। वेस्टर्न अच्छा, और वेस्टर्न में आपको किस किस्म की शर्ट्स अच्छी लगती हैं, फ्लोई शर्ट, लूज शर्ट, टी शर्ट्स, कैसी चीजें? क्योंकि वेस्टर्न में तो वेस्टर्न में ताकत लंबा और बहुत बड़ा जो है वाइड वैरायटी होती है आपके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए वेस्टर्न में। ईस्टर्न में भी होती है बट टू सम एक्सटेंट थोड़ा कम है आपके पास वैरायटी का जो मार्जिन होता है, लेकिन वेस्टर्न में बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या अच्छा लगता है वेस्टर्न साइड पर, क्या पहनना अच्छा लगता है सबसे ज्यादा? टॉप और जीन्स या कुर्ता या टाइट। वेरी नाइस। अच्छा उसके अलावा मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ है आयशा, कभी आपने किसी का फैशन सेंस देखकर आप बोलें कि यार ये क्या पहना हुआ है? हाँ हमारी क्लास में एक लड़की है, वो क्या कपड़े पहनती, इतने फजूल। मुझे
फजूल कपड़े पहनती थी। अच्छा, फजूल से मुराद मतलब उसकी ड्रेसिंग सही नहीं होती, पूरे कलर चेंज होते हैं। अगर येलो कलर का दुपट्टा है तो नीचे ब्लू कलर का क्या कुर्ता है उसका, और ब्लैक कलर के टाइट्स हैं। तो तुमने कभी उसको हेल्प आउट किया कि यार चलो मैं तुम्हें ना बताती हूँ कि कैसे करनी चाहिए ड्रेसिंग, यार ये अच्छी नहीं लगती, कभी कुछ हेल्प आउट किया आपने? क्यों नहीं, उसको बताओ तो वो कुछ कहती है कि वो कहती है कि मैं मेरी सबसे ज्यादा आप लोगों को कुछ नहीं आता। बोलो यार, एक तो मदद कर रहे हैं ऊपर से तुम ये बोलियो। चलो ठीक है फिर, उस लिहाज से तो अच्छा है, उसको ना ही हेल्प की जाए तो अच्छा है। ऑलराइट, थैंक यू सो फॉर कॉलिंग इन आयशा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। दैट वाज आयशा। जल्दी जल्दी मैसेज पढ़ लेते हैं। हमजा लिखते हैं, हिना टुडे यू आर लुकिंग वेरी ऑसम ड्रेसिंग एंड यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, आई लाइक यू सो मच। एक और मैसेज आया, वो लिखते हैं रियली नाइस शो, गॉड ब्लेस यू, कीप रॉकिंग। अच्छा, और खान दुआ लिखती हैं, दुआ खान होना चाहिए, इनका नाम है खान दुआ, और लिखती हैं यू लुकिंग सो 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 ऑसम, लव यू सो मच हिना आपी, थैंक यू। मोहम्मद इमरान लिखते हैं, हिना आप बहुत आज अच्छी लग रही हैं। अलवीना शबीर लिखती हैं यू आर लुकिंग सो प्रिटी एंड लव योर ड्रेसिंग, प्लीज शो का, आपके शो का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा है, थैंक यू सो मच। उसके अलावा युसरा लिखती हैं यू आर ऑसम, सना लिखती है ना टुडे यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, माशाल्लाह योर शो इज़ सो अमेजिंग, थैंक यू। सारा मुनाफ लिखती हैं हेलो हिना, मेरी सिस्टर युसरा को हेलो कह दीजिए, सारा की तरफ से उनकी सिस्टर युसरा को अब वेरी बिग हेलो। एंड उसके अलावा अम्मार इकबाल लिखते हैं आई लाइक योर ड्रेसिंग हिना अल्ताफ, थैंक यू सो मच। उसके अलावा वरीशा लिखती है हेलो हिना आप, यू आर लुकिंग गॉर्जियस बट आई मस्ट से दैट टुडे यू आर लुकिंग सो प्रिटी, सेट तो बहुत आला है एंड द वे यू टॉक इज ऑल्सो वेरी नाइस, लव यू, कीप इट अप, चेक योर इनबॉक्स प्लीज। ठीक है, शो खत्म होने के बाद मैंने फैन पेज का इनबॉक्स चेक करती हूँ। उसके अलावा परीज़ खान लिखती है हिना आप, यू आर लुकिंग ऑसम। एम असद अली लिखते हैं हेलो हिना ब्यूटीफुल शो, यू लुक वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। एंड उसके अलावा शाहरुख खान लिखते हैं डोंट एवर बी अफ्रेड टू शो हु यू रियली आर बिकॉज एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी विद योर सेल्फ नो वन एल्स ओपिनियन मैटर्स। आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली राइट, ड्रेसिंग की बात आ जाती है तो आई थिंक आपको अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहिए। ईर्षा मोइन लिखते हैं हिना यू आर दी बेस्ट वीजे आई हैव एवर सीन एंड आई लाइक योर फैशन सेंस, यू आर लुकिंग टू गुड माशाल्लाह। मिश्री हंसा लिखते हैं यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली नाइस, प्लीज से हाई टू मी, हेलो मिश्री। उसके अलावा असजद सलीम लिखते हैं ना यू आर लुकिंग टू प्रिटी, प्लीज मेरा मैसेज पढ़ लीजिएगा। आमिर शहजाद लिखते हैं यू आर लुकिंग वेरी नाइस। उसके अलावा माहरुख हमसा लिखती हैं लाइव है आपका शो, इट्स अमेजिंग जस्ट लाइक यू। इतने सारे मैसेजेस, और ये सारे पूरे मैसेजेस नहीं है, इससे भी ज़्यादा मैसेजेस आए हुए हैं, लेकिन आई थिंक अभी पढ़ सकती हूँ तो बिल्कुल पढ़ लेती हूँ। इसके अलावा असरा निज़ामानी लिखती हैं हेलो हिना हाउ आर यू लुकिंग वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतनी सारी तारीफें, कभी कभार जब मेरे दोस्त बैठे हुए शो देख रहे होते हैं उनके व्हाट्सएप आना शुरू हो जाते हैं मेरे पास और कहते हैं कि तुम तो मैसेज पढ़ती अपनी तारीफ के लिए हो, मैं क्या करूँ अगर लोग मेरी तारीफ करें। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा आज का जो शो टॉपिक था आज हमारा, वो ये था कि हम आज फैशन सेंस के मुतालिक बात कर रहे थे, ड्रेसिंग के मुतालिक बात कर रहे थे कि आपको किस किस्म का फैशन सेंस चलता है, ड्रेसिंग अच्छी लगती है, सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। आई वुड से कि अगर आपको लगता है कि यार किसी का ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा नहीं है, फैशन सेंस इतना अच्छा नहीं है, आई वुड से कि यू शुड एक्चुअली हेल्प दोज पीपल आउट, उनको थोड़ा ना समझाना चाहिए फ्रेंडली तरीके में, यार देखो ये नहीं बोलना चाहिए कि आपका फैशन सेंस अच्छा नहीं है, उनको बोलना चाहिए यार तुम पे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगेगी, तुम ये ट्राई क्यों नहीं करती। इस किस्म से करते 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 आप उनको फैशन सेंस थोड़ा जो है वो चेंज कर सकते हैं। एंड आई थिंक इसके लिए एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आपका फैशन सेंस जो होता है वो आपके सेंस ऑफ स्टाइल को बहुत ज़्यादा जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है उससे। बट एनी वेज आई वुड से ऑलवेज ड्रेस अप गुड, लुक गुड, क्योंकि जब आप अच्छे तैयार होते हैं आप अच्छा फील करते हैं, जब आप अच्छा फील करते हैं तो आपका काम भी अच्छा होता है, पॉजिटिव रहते हैं, स्माइल करते हैं, अच्छा फील करेंगे तो अच्छा भी काम होगा एंड अपनी आप पॉजिटिविटी जो होती है दूसरों में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। कल होगा थर्सडे, कल भी लाइव आऊंगी, बिल्कुल आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। अभी हम जा रहे हैं शो को वाइंड अप करने के लिए, रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल, कीप ऑन वॉचिंग ARY म्यूजिक, YOLO यू ओनली लिव वंस, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।